एबीपीएस एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव ब्लॉक डिलारी स्थित उस्मानपुर गांव पड़ा। लगभग 3000 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 36 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। वर्तमान समय में प्रधान इंद्रजीत ने इस गांव की कमान संभाल रखी है। इस गांव में जब एबीपीएस न्यूज टीम कैमरे के साथ पहुंची तो गांव में कुल वोटरों की संख्या लगभग 1300 नजर आई तो वहीं 149 राशन कार्ड धारक भी दिखाई दिए। वर्तमान समय में मिलने वाले सभी तरीके के लाभ विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन व विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थियों को भी ग्राम प्रधान पूरा लाभ मुहैया कराते हैं। साथ ही इस गांव में प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या बेहद ही कम दिखाई दी। इन स्कूल में मात्र 43 बच्चे ही शिक्षा ग्रहण करते हुए दिखाई दिए। गांव में ग्रामीणों के पेयजल आपूर्ति को बनाने के लिए ग्राम प्रधान द्वारा 17 हैंडपंप लगवाए गए हैं। साथ ही 10 और हैंडपंपों की मांग राज्य व केंद्र सरकार से ग्राम प्रधान ने की। बिजली की व्यवस्था बेहद ही दुरुस्त दिखाई दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने गांव में लगभग 150 बिजली के पोल लगवाए हैं, साथ ही 3 बिजली के ट्रांसफार्मर भी गांव में लगवाए हैं। गांव में चलते हुए हमारे कैमरे ने देखा कि ग्राम प्रधान द्वारा वर्तमान में सीसी सड़कों का निर्माण कराया गया है, साथ ही गांव को शौच मुक्त बनाने के उद्देश्य से गांव में शौचालयों का निर्माण भी प्रधान द्वारा कराया गया है। गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आने वाले सभी पात्रों को प्रधानमंत्री आवास भी मुहैया कराए गए हैं, जिससे गरीबों को सड़क किनारे रात ना बितानी पड़े। देखिए भाई साहब, मैं ग्राम उस्मानपुर का ग्राम प्रधान हूँ और अभी तक सरकार द्वारा राज्य वित्त 14 वित्त की जो किस्त हमें पैसा मिला है नरेगा का, उसका वो तो आपको गांव में देखने पर चल जाएगा जो विकास किया है। और मैं ये चाहता हूँ कि सरकार इससे ज़्यादा और विधान बढ़ा कर दी, जिससे हम गाँव का अच्छी तरह से विकास कर सकें। जी सर जी, मेरा नाम दीपक कुमार, ग्राम उस्मानपुर ब्लॉक डिलारी। जी, हमारे प्रधान जी जो हैं बहुत विकास करा रहे हैं गांव में, जो है सभी सड़कें ज़्यादातर सीसी टाइल्स करवा चुके हैं, सीसी करा रहे हैं, किसी बात की कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, विकास नंबर 1 चल रहा है गांव में।